तो यार आप सभी का स्वागत है एलन वेक रीमास्टर्ड के पार्ट नंबर 16 के अंदर। तो यार इस वीडियो के अंदर हम फाइनल एपिसोड एपिसोड नंबर 6 को शुरू करने जा रहे हैं, और बेसिकली इसका नाम है डिपार्चर। जिसको नहीं यार, डिपार्चर बेसिकली जो मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट कर रहे हैं ना इस टाइम पे, उस मैन्यूस्क्रिप्ट का बेसिकली जो हेडिंग है, जो टाइटल है, वो डिपार्चर है। तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी गड़बड़ के। तो यार मैं ऐसे ही मजे में एक बार चेक कर रहा था कि कितने कलेक्टेबल्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं गेम के अंदर। यहाँ पे अपेरेंटली नॉर्मल मोड पे, नाइटमेयर मोड में थोड़े बहुत मैन्यूस्क्रिप्ट और जुड़ जाएंगे। अभी वैसे 106 मैन्यूस्क्रिप्ट दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें नाइटमेयर मोड के जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो एग्जिस्ट करते हैं साथ में। वैसे इसके बिना अराउंड 91 मैन्यूस्क्रिप्ट पेजेस है जो हम वैसे एक्वायर कर सकते हैं। 15 मैन्यूस्क्रिप्ट पेजेस के लिए हमें नाइटमेयर मोड में जाना पड़ेगा। ये जो बेसिकली सीन है, अराउंड 283 कलेक्टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मल मोड में, प्लस 15 नाइटमेयर मोड में। 283 करीब ऐसे डिवाइडेड है, हर एक एपिसोड में 50 कलेक्टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं। और आखिरी जो है एपिसोड नंबर 6, इसके अंदर सिर्फ 29 कलेक्टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं कभी सोचा नहीं था मैं ये बोलूंगा, सिर्फ 29 कलेक्टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ 29। लेकिन यार क्या कर सकते हैं, कितने सारे कलेक्टेबल्स हैं। मैं भाई साहब हैरानी होती है कई बार, तो भर दिया कलेक्टेबल्स से इन्होंने। खैर जो भी हो, ठीक है, अब हम फाइनली फाइनल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं गेम का। इसके बाद फिर हम जो भी करेंगे वो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि सॉरी बाद में कर लेंगे जो भी करना है। I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The Clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the Clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. भाई साहब आवाज देख रहे हो, कानों में कितनी तेज आवाज है। ठीक है, एक सेकेंड ग्लासेस। The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. ठीक है, अब हमें पेन किलर्स चाहिए। सो पेन किलर्स यहाँ पे, ये रही। तो फ्लैशबैक चल रहा देखा जाए इस टाइम पे। The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. तो देखा जाए ये इस टाइम पे वो टाइम चल रहा है जिस टाइम पे इसने लिखना छोड़ दिया था, क्योंकि सब लिखा नहीं जा रहा था कुछ भी। तो ये दिखा रहे कि क्या हुआ था जिसकी वजह से शायद से ये लिख नहीं पा रहा था, 2 साल के लिए नहीं लिख पा रहा था ना। तो ये वो स्टार्टिंग का मोमेंट है जब इसने लिखना बंद कर दिया था, ऐसा कुछ सीन है। There was a message waiting for me on the machine. उससे पहले यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, फाइनल शो है ये, बेसिकली फाइनल हमारा टीवी शो है। इसके बाद हमने 14 के 14 टीवी शोज देख लेंगे, तो देखते हैं फिर फाइनल शो को अपने।
I'd been a guest on the talk show the previous night, talking about my latest book. The show was supposed to be waiting for me on our TiVo. हमें ट्रॉफी मिली काउच पोटैटो. यू हैव वॉच्ड एवरी सिंगल टीवी शो ऑन ऑफर. क्या बात है, चलते हैं रिज्यूम करते हैं. Talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the two people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously, though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over here. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No. Nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good. Great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening, Alan Wake, Sam Lake, once more, do the face for a cent. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you. At least I've been funny. I told myself I could live with that. Hey, buddy. Did you watch the show? I didn't say anything stupid, if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know, I should have followed her advice. But suddenly I was angry. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah. You're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun.
Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. ठीक है, मुझे लग रहा है कि कुछ अब ये फाइनल जिसे कहते हैं ना प्रॉपर, सभी दोस्त वगैरह हट चुके हैं, अब एलन वेक खुद लड़ेगा डार्कनेस से अकेले, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फाइनल क्लाइमैक्स वाला फीलिंग आ रही है बिल्कुल। खैर सबसे पहले थर्मस को ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कार है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलते आगे। ओके, यहां पे कहीं पर एक साइन है जो हमें रीड करना है, और मैं वो ढूंढ रहा हूं किस साइड है, शायद से राइट साइड पे कहीं पे दिखेगा हमें। वहां सामने हो सकता है। कितना शांत एरिया है, एक बार दिन हो तो, लेकिन रात में वाट लगा देता है ये एरिया। हाँ ये देखो, यहाँ पर ये जो साइन है द मैजेस्टिक होटल, ये मोटेल सॉरी, ये अपना साइन नंबर 22 है। सो द मैजेस्टिक मोटेल जस्ट डाउन द रोड, कम ऑन इन। कंफर्टेबल बेड्स, क्लीन रूम्स, वायरलेस इंटरनेट, लॉन्ड्री फैसिलिटीज, केबल टीवी एंड किचनेट इन एवरी रूम, फोन 5558923। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि वो तीनों बैरी, सिंथिया और सैरा उस रूम के तब बंद है, तो वो तीनों बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे गेम के एंड तक। रीजन बीइंग देखा जाए क्योंकि वो लाइट से भरा हुआ रूम है, वहाँ पे एक भी शेडो नहीं है, और इस वजह से डार्कनेस वहाँ पे नहीं जा सकती। तो टेक्निकली डार्कनेस के अगेंस्ट वो एक फोर्ट्रेस है वो एरिया। खैर अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, मैं जरा बस चेक कर लूँ स्टैट्स को, चेक करते रहना चाहिए, मैं नहीं चाहता कोई गलती से मिस हो जाए कुछ भी। ठीक है, सो हम ऑलरेडी थर्मस 90 पे पहुंच चुके हैं, टीवी शोज हम फुल कर चुके हैं, और हमारी साइंस जो है इस टाइम पे 22 आउट ऑफ 25 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो अपेरेंटली यहां थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा सारा। ये वाला एरिया है। इस साइड पे अगर मैं सही हूं, और यहां नीचे जाना है शायद से मैं, और यहाँ पे हमें थोड़ी चीज़ें वगैरह मिलेंगी, हंटिंग राइफल, बैटरीज, और उसके अलावा थोड़ा और जाना पड़ेगा हमें नीचे। ये
ये ऑप्शनल एरिया है, पूरा का पूरा एरिया ऑप्शनल है। और ये जो सामने बिल्डिंग है, यहाँ पे एक चेस्ट है, चेस्ट नंबर 26। नाइस, देखा जाए हम पहले से ही अच्छा खासा खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आगे जो भी होने वाला है उन सब के लिए। ठीक है, देखा जाए। रोड के साइड में ही ज़्यादा चीज़ है इस टाइम पे, कलेक्टेबल्स वगैरह, साइन देख लो वाला, उसके अलावा थर्मस देख लो, और यहाँ पे जो चेस्ट है ये भी, और अगला जो कलेक्टेबल है वो भी हमें बेसिकली एक डिटूर करना पड़ेगा तो ही हमें मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। सही में यार, अब इसका स्टैमिना बहुत बुरा है यार, बहुत ज़्यादा बुरा है, इंसान पक जाए, इतना बुरा स्टैमिना है। मज़ा आ जाता अगर हम ये वाली व्हीकल्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते तो, भाई साहब मज़ा आ जाता। खैर जो भी है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक व्हीकल है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा उसको चलाने का। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ कहो यार, एरिया जबरदस्त है दिन के अंदर। अब यहां पे बेसिकली यहां उतरना है, यहां सामने जाना है हमें। यहां कोने के अंदर हमें कुछ मिलेगा। ये देखो कहां छुपा रखी थर्मस, भाई साहब। समझ गया अगला कौन सा है। उससे पहले एक बस कंफर्म 91, ठीक है, और चेस्ट हमारी 26, डन। आगे बढ़ते हैं। अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, ये बस एक बेसिक एसेट है, अंदर हम देख भी नहीं सकते कि है क्या अंदर। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ नीचे कुछ है? नहीं 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 जा सकते, ये ब्लॉक्ड ऑफ है पूरा एरिया। लेकिन हमारे पास सामान अच्छा खासा आ चुका है लड़ाई के लिए, चलते हैं। ठीक है, तो हमें उतरना पड़ेगा बेसिकली। ओह, was a link between us, always would be. I could feel its presence again getting closer. Okay, एक सेकेंड, इसका मतलब ये है कि जो जो उसने भी डार्कनेस को छुआ है वो एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। इसका मतलब ये सिंथिया वीवर को पता चल जाता है जब डार्कनेस पास में आती है, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद से अब रोज को भी शायद से पता चल जाएगा कि जब डार्कनेस वापस आती है, शायद एलिस को भी पता चल सकता है जब डार्कनेस वापस आएगी। एलिस का देखना पड़ेगा जिंदा बची है कि नहीं, जिंदा है तो शायद से कनेक्शन बिल्डअप हो जाए एलिस का भी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है इसने ये हेली है। ओ बच गया, आ जा भाई। भाई मुझे वहां पे एक मैन्युस्क्रिप्ट दिख रही है, क्या ये वापस रात एकदम से हो गई या फिर क्लिकर का इफेक्ट खत्म हो गया? तो क्या क्लिकर जो है उसकी पावर एक लिमिटेड टाइम के लिए है जो मुझे लग रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मैन्युस्क्रिप्ट है, वहां पे एक सेफ हेवन है। क्या हम इसको मार सकते? नहीं,
ठीक है, हमें मैन्यूस्क्रिप्ट पेज मिल चुका है, आगे एक सेकंड रुको। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये हमें एक नए व्हीकल दी गई है आगे ड्राइव करने के लिए। देखा जाए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम बिना कार का इस्तेमाल करें पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। चलते हैं। इसका चेंज करना है? नहीं, जीप का इस्तेमाल किया जा सकता है एक्चुअली। नहीं, खराब है जीप। आगे बढ़ते हैं। ओ, आ गए बंदे, बंदे आ गए, बंदे आ गए। बाय बाय, आगे बढ़ते हैं। बंदे मतलब हमला करेंगे हमारे ऊपर। वहां एक बंदा है और ये क्या, ये क्या। आगे बढ़ते हैं। ओके, इस साइड जाने हमें। सो ये है जो हमने अभी साइन देखा था ना, मैजेस्टिक मोटेल, इस एरिया में आए हम। ओके, मुझे लग रहा है ये एक नेक्स्ट एरिया है जो इम्पोर्टेंट है। उससे पहले यहाँ कुछ नहीं, यहाँ और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। ये इमरजेंसी बॉक्स काम की चीज़ है। नाइस। और यहाँ से मेन एंट्रेंस कहाँ पर है? यहाँ से है। और यहाँ पे ये साइन, द मैजेस्टिक मोटेल, जनरल इंफॉर्मेशन, रिफंडेबल $100, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड ऑन ऑल रिजर्वेशंस। काफ़ी महंगा है $100। नो पर्सनल, $100 मतलब ₹6,000 आज के टाइम पे। लेकिन ये गेम बना है कम से कम 20 साल पहले, तो उस टाइम पे भाई साहब ज़्यादा महंगा हो गया ये अमाउंट। नो पर्सनल चेक्स एक्सेप्टेड, वी टेक ऑल मेजर क्रेडिट कार्ड्स एंड बैंक कार्ड्स, चेकआउट टाइम इज 10 AM, नो लाउड म्यूजिक, नो पेट्स। ठीक है, वन व्हीकल पर लिमिट, फैसिलिटीज आर फॉर रजिस्टर्ड गेस्ट्स ओनली, नो विजिटर्स आर अलाउड ऑन प्रेमिसेस आफ्टर 9 PM, नो एक्सेप्शंस, वी होप यू एंजॉय योर स्टे एट द मैजेस्टिक, इफ यू आर अ सीनियर और अ वेट, आस्क अबाउट आवर डिस्काउंट्स। ओके, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, साइंस हमारे 23 हो चुके हैं, उसके अलावा अगर देखा जाए मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे 86 हो चुके हैं। ठीक है, सॉरी मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चेक पॉइंट मतलब यहाँ आना ज़रूरी था, और यहाँ पे है एक्चुअली शॉटगन। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लूँ कि नहीं, ले लेते हैं। काश हम मल्टीपल वेपन्स एक साथ रख सकते, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे एमओ हैं, फ्लैश बैंक्स। गेम ना मैं प्रिपेयर कर रहा है। This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Oh, so Agent Nightingale का रूम है यहाँ पे, क्या बात है। और ये क्या है? तो यहाँ पे एक आध मैन्युस्क्रिप्ट होनी चाहिए थी। यहाँ फोटोज किस चीज की है भाई? ये पता नहीं, लेकिन फोटोज तो है कुछ। ओ भाई, ये इनविजिबल था। Thank you.
नहीं और भी हो लग रहा है मुझे है। एक है ऊपर। कुछ है यहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। हाँ एक सेकंड रुको जरा। मैं कुछ मिस कर दिया शायद से। सो यहाँ की जगह यहाँ पे यहाँ पे असल में एक थर्मस छुपी हुई जो मैं पता ये वाला अच्छा यहाँ पर है। ठीक है मैं कॉफ़ी थर्मस मिल चुकी है यहाँ पे। उसके अलावा अब यहाँ पे समझ गया अगला कौन सा है। यहाँ बाहर जाने में हमारी गाड़ी की तो बैंड बज गई देखा जाए तो। अरे नहीं जा सकते कैसे। सो यहाँ पर एक पिरामिड ऑफ कैंस है। डन ठीक है अब यहाँ से अगला कौन सा है समझ गया। और यहाँ पे एक बार स्टैट्स चेक कर लेते। 11 आउट ऑफ 12 कैंस और उसके अलावा थर्मस जो हमें मिली है वो 92 नंबर की मिली है। सही है हम काफ़ी क्लोज जा रहे हैं अब धीरे धीरे सारे के सारे कलेक्टेबल्स को 100% करने के अंदर। ठीक है अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कोई और व्हीकल लेनी पड़ेगी। नहीं इस वाली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका भी नहीं कर सकते इस साइड। इसकी लाइट जली हुई मुझे लग रहा है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ ठीक है चलते हैं। ओ भाई यहाँ तो जंग हो गई। मैं इसका इस्तेमाल करके इसकी बैंड बजाना चाहता हूँ। नहीं उतरना पड़ेगा। आ जा भाई गाड़ी के अंदर थी। हम ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। सो यहाँ पे एक बिल्डिंग है इस साइड होगी। एक ड्राइव के लिए एक व्हीकल चाहिए होगी मुझे। अब इसके बाद आवाज आ रही है। करना क्या है भाई करना क्या है। नहीं यार मुझे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया एक सेकंड को। अच्छा ब्रिज क्रॉस करना है हमें। यार फीफंड का व्हीकल खराब कर दी इन्होंने। एक रिप्लेसमेंट तो दो यार। शायद से हमें फिजिकली जाना पड़ेगा। और कुछ मुझे मौका लग नहीं रहा कुछ भी ऐसा। ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा हमें और कोई चारा नहीं है। आए बंदे यहाँ कुछ है ये रहा।
बाय बाय। आगे बढ़ते हैं, और भी मुझे बंदे दिख रहे हैं यहाँ पे, है बंदे और। वो रहा सामने, ओ ये क्या, ये भी मेरे ख्याल से करेगा, ये हरकत करेगा। नाइस, आ जा। ये क्या, ये क्या, एक आखिरी बचा है हमें ना, एक हैवी ड्यूटी लैंटर्न की जरूरत है इस टाइम पे, नॉर्मल लैंटर्न है इस टाइम पे हमारे पास। आगे बढ़ते, ठीक है हमें व्हीकल को छोड़ना तो पड़ता है यहाँ पे। चलो चलो चलो, चेक पॉइंट हमें मिल चुका है जो वो बहुत अच्छी खबर है। नहीं कर सकते ड्राइव, यहाँ पे कुछ सामान दिख रहा है मुझे, फ्लेयर्स, लिथियम बैटरीज, आगे बढ़ते हैं। ओ कुछ हुआ, ओ और भी है, कहाँ गया, गया आ जाओ, और क्या है? अब कुछ कर रही है डार्कनेस। ओ भाई ये क्या, एक और आइटम थी शायद से, वो काफी दूर चली गई हमसे। ठीक है, उप्स, नहीं 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 नहीं, बच गया। अरे बाप रे, ये क्या, डार्कनेस हरकत कर रही है, ठीक है। अरे 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 यार, गलत बात है, मुझे फ्लेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे काफी सारी। दोबारा से कोशिश करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ हमें गेम को खेलना पड़ेगा, वरना गेम हमारी वाट लगा देगा। ठीक है चालू करते हैं। सबसे पहले ये, अगला ये, फिर ये, ठीक है अभी तक हमने अच्छा कह रहा। हाथ क्या थी, टॉप अप करते हुए चलते हैं। ये रही, ये भी क्या, कम से कम हेल्थ के अंदर ज्यादा ज्यादा काम करना है बेसिकली। ये क्या, वो रहे एक आइटम, डन। यार ये कैसे हो गया, शायद बच गए हम, शायद से हम बच गए। बच गया, ठीक है आ जाओ। मुझे लग रहा है पीछे से हमला होगा ये इस बार,
हाँ मुझे याद आया, पीछे से हमला होगा इस बार। ओ नहीं 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 यहाँ से आया। अरे यार हो गया, बच गया। गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इससे उधर उस तरफ जाएंगे हमारी जंग शुरू हो जाएगी और हम फंस जाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि हम इसका इस्तेमाल करें और फ्लेयर्स का। नाइस, बच गए बच गए बच गए। फ्लेयर का इस्तेमाल बेस्ट रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेफ हेवन फाइनली पहुंच गए भाई, फाइनली पहुंच गए। बैंड ही बजा दी भाई, बैंड ही बजा दी। खैर तुम्हें एडिट करके दिखेगा नहीं कि कितनी बैंड बजाई गई है हमारी, लेकिन भाई साहब वाट लगा दी इस बार तो इन्होंने। अभी तक की सबसे मुश्किल फाइट कहूंगा मैं गेम की देखा जाए तो। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलते हैं। सो यहां पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है। आ जाओ। नाइस। ओ भाई 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो एक चीज नोटिस करना, अगर भाई साहब अगर ऑरेंज लाइट आए इसका मतलब ये है कि से फोकस्ड लाइट ही इनके ऊपर इफेक्ट करेगी। ये क्या? अरे यार अब बैंड बजेगी अपने। ठीक है और आएंगे, कुछ बंदे हैं और। ओके सो यहां थोड़ी आग लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। हर जगह आग लगी पड़ी है। मोस्ट प्रोबेबली हमें यहां पे जाना होगा। आ गए बंदे। आ जाओ भाई साहब, हमारी वो खत्म हो गई एमओ, एमओ की रिक्वायरमेंट हमें। यहाँ कुछ है। ओ नाइस। उससे पहले अपेरेंटली यहाँ पे ये बार है और यहाँ पे कॉफी थर्मस है। ओ
बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक बार स्टैट्स जरूर चेक करना चाहूँगा कि हमें क्या 93 मिली है। यस, हमें 93 मिली है, और कैन पिरामिड तो हम कर ही चुके हैं 11। ठीक है, समझ गया कैसे करना है। आप वापस चलते हैं। चलो चलो चलो, पहुंच गए सेफली। अब यहां से ड्राइव करके हम आगे बढ़ेंगे। एरिया तो कुछ ही को जबरदस्त है, खतरनाक है एरिया। सो अपेरेंटली यहां से ऐसे जाना है हमें। बिल्कुल सीधा चलते हैं, एनिमीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम। ओ भाई 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 भाई, दौड़ो यहां से। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, निकलो यहां से। अप्स 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 अप्स। क्या ये चेक पॉइंट माना जाएगा? चेक पॉइंट रीच्ड। सो अपेरेंटली यहां पे आई थिंक एक हमने कुछ मिस आउट किया, मुझे चेक करना पड़ेगा। नहीं, यहां से आगे ही जाना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग एरिया ये, कि और मैं थोड़ा सा डर भी रहा हूँ कि हाँ जी कोई कलेक्टिबल्स मिस आउट ना हो जाए। इसके आगे नहीं जा सकते हम। हाँ सो यहाँ पे ब्लैक ऊज है, थोड़ा इस पे फोकस करना पड़ेगा। मेरे पास बिल्कुल भी एमो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी एरिया में आगे कहीं पे एक मैन्युस्क्रिप्ट है, वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इनके इस तरफ लाओ। ओ, मैंने एक बार में दो तीन को मारा है। ठीक है, यहां पे कुछ रिवॉल्वर एमो, इसकी ज्यादा जरूरत है। और भी बंदे आ रहे हैं। बाय बाय। और भी सामान दिख रहा है मुझे, काफी सामान है यहाँ पे, रिवॉल्वर एमो। आ रहे बंदे, आ रहे, पता है, दिख रहा है दिख रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाइस। अरे नहीं नहीं, अरे यार फंस गया, कोने में फंस गया मैं। कॉर्नर्स बड़े डिफिकल्ट है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आप एमओ, आपको एमओ रिफिल मिल जाती है एक बार आप आउट हो जाओ तो। और यहाँ थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा अब हमें। सबसे पहले फ्लेयर्स को रखते हैं, फ्लेयर्स ज्यादा काम आएंगे, ना कि वो फ्लैशबैक्स। ओके, ये क्या? और भी एक बंदा है।
अरे यार चलो 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 गए। शॉटगन एमो, रिवॉल्वर एमो, जैसे ही मैं इधर आऊंगा। चलो चलो बच गया। ये क्या, वापस चलो थोड़ा सा। ये क्या, अगले सेफ इवेंट पे मैं एक वीडियो एंड कर दूंगा। नहीं 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 ये क्या, और कोई भाई साहब बैंड बज गई आज तुम्हारी। फाइनल एपिसोड एक्चुअली काफी डिफिकल्ट है। फ्लेयर्स, शॉटगन एमो, बैटरीज, एक और मेरे ख्याल से लड़ाई हो सकती है। भागो बाय बाय भाई साहब। वैसे देखा जाए गेम का सबसे बड़ा जो आपका एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 3 था, और सेकंड बड़ा जो सबसे सबसे बड़ा एपिसोड जो है वो एक्चुअली एपिसोड नंबर 6 है जो हम करंट खेल रहे हैं। सबसे काफ़ी बड़ा एपिसोड है ये, और मैंने करीब मेरे हिसाब से अराउंड 4 एपिसोड्स सॉरी 4 वीडियोस लगेंगी मुझे एटलीस्ट अराउंड 45 to 50 मिनट्स की इस पूरे एपिसोड को कंप्लीट करने के अंदर। ठीक है, सो इसी के साथ हमने मैन्युस्क्रिप्ट नंबर 87 भी एक्वायर कर ली है। इसके बाद जो भी है आप अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो यह इसी के साथ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बड़े बढ़िया कॉन्टेंट डालता रहूँगा अपने चैनल पर, तो मेरे ज़रूर चेकआउट करना। और बाय चांस अगर तुम्हें लगता है मेरा कॉन्टेंट बढ़िया है उसको आज के शेयर करो और आग की तरफ फैला दो। तब तक के लिए इतना ही, सायोनारा।